में मल्टीपल टीम्स आती हुई नजर आ रही हैं और ये बहुत मुश्किल रहने वाला है। जोन जो है वो भी एक कुछ वैसा ही शिफ्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, बट आप देखिए सदर्न पार्ट ऑफ द मैप में टीम वेलोसिटी एंड टीम हाइड्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा करीब। यहां पर एक ब्रिज ब्लॉक हमें देखने को मिल सकता है। टीम हाइड्रा के जो एक प्लेयर है वो शायद फंसते हुए नजर आ रहे टीम वेलोसिटी के बीच। मुझे लगता है वहां पे एक नॉक भी आ चुका है। यस बिल्कुल, वहां पे एक नॉक यहां पे आ चुका है। क्रेटोस की बात करें, उन्होंने डीपी का शॉट दिया, पाफ किलो वहां पे डाउन किया गया। दलजीत की बात करें, वो भी यहां पे डाउन जरूर है, बट हाइड्रा के प्लेयर्स की आप बात करें, एक प्लेयर को बचाने के लिए वो वापस जरूर आए, बट शायद यहां पे हाइड्रा के प्लेयर्स को मुश्किलें हो सकती है और वो चीज हमें देखने को मिलेगी। ऋषभ यहां पे क्रेटोस के द्वारा डाउन किए गए। रात की बात करें, वो यहां पे मौजूद जरूर है, बट एक अच्छा ग्रेनेड कुक किया जा रहा है। मुझे लगता है हाइड्रा की स्क्वाड यहां पे गलती जरूर कर चुकी है, एक प्लेयर को बचाने के चक्कर में दो और एक्स्ट्रा प्लेयर वो यहां पे खो चुके हैं। हाइड्रा बहुत ज्यादा मुश्किल में, मुझे लगता है मात्र एक लौटा प्लेयर उनका यहां पे सर्वाइव करेगा। बिल्कुल नगेट अकेले बचेंगे अपनी टीम से, देखते हैं क्या वो बचाने के लिए आते हैं या फिर यहां से निकलेंगे और प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेलना पसंद करेंगे। नगेट को अब यहां से इस फाइट को डिसएंगेज करना ही पड़ेगा मेजी, बिकॉज रिवाइवल का कोई भी वहां पर चांस नहीं बचा। रैश जो है उनको इजीली पिक ऑफ कर लिया जाएगा। और आप देखिए तीन प्लेयर्स इतने अर्ली स्टेज ऑफ मैच में लूज कर दिया है यहां पे टीम हाइड्रा ऑफिशियल ने। एक प्लेयर वहां पर नॉक था, जो बाकी के प्लेयर्स थे वो एक सेफ एंड पे जरूर से थे, बट अगेन कई बार ऐसा होता है कि एक प्लेयर को बचाने के चक्कर में आपके जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी के लिए टीम वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी। स्नैक्स तो है वो अभी भी साइलेंटली अपनी पोजीशन पे मौजूद है। टीम और एंगुटन के तीन प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार इस पर्टिकुलर मैच में विनर चिकन डिनर निकालने के, लेकिन क्या उनके पास आ पाएगा? बिकॉज टीम एक्सो की अगर हम बात करें तो उनके भी दो प्लेयर्स अभी सरवाइव कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, यहां पे शायद टीम मार्कोस गेमिंग के जो प्लेयर उन्होंने स्पॉट कर लिया है वैसे उनको एक आइडिया है कि शायद उस एरिया में प्लेयर हो सकता है, बट सबसे ज्यादा मुश्किल बात करें तो उनके भी दो प्लेयर्स अभी सर्वाइव कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, यहां पे शायद टीम मार्कोस गेमिंग के जो प्लेयर उन्होंने स्पॉट कर लिया है वैसे उनको एक आइडिया है कि शायद उस एरिया में प्लेयर हो सकता है, बट सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति में अभी के लिए टीम मार्कोस गेमिंग। बड़ा फियर्स को देखे, बिल्कुल हिल नहीं रहे, मॉटल बिल्कुल चहलकदमी करने की कोशिश नहीं, जहां पे टिके हैं वहीं पे थमे से हुए हैं। आदि की बात करूं कि पोजीशन अभी तक मार्कोस गेमिंग के प्लेयर को पता नहीं है, बड़े हुए एसीसी के साथ खत्म होते हुए मैडमैन के द्वारा अपनी टीम को टॉप 5 में पहुंचाया जरूर, बट रैंपेज पे आते हुए मैडमैन 5 फिनिशेस टोटल निकाले अपने नाम पे और देखिए क्या बेहतरीन गेम प्ले चलता हुआ। मार्कस गेमिंग का सीजी 7 की बात को ऊपर आने की कोशिश, बट नहीं, ऐश खत्म करेंगे इसी के साथ। मार्कस गेमिंग का जो सफर था यहीं पे सफाया होता हुआ। इमॉर्टल की बात करी जाए, वो यहां पे बचे, फिर से अभी भी वहां पे बचे, बट आदि की बात करें, वो भी अपनी टीम को टॉप 3 में पहुंचाने में कामयाब हुए जरूर है। ओजी की स्क्वाड पहला मैच दिख रहा है इनका और मुझे लगता है पहले ही मैच में विनर चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब आते हुए। आदि की बात करें, गाड़ी से कुचला जा सकता था उनको, बट नहीं, ऐश को वहां पे डाउन करा। आदि मुझे लगता है प्ले जोन के बाहर खत्म हो गए, बिल्कुल आदि प्ले जोन के बाहर खत्म कर गए हो चुके हैं, बट इमॉर्टल इसी के साथ डाउन के फिर से अगले बच्चे अपनी टीम से, बट नहीं, इसी के साथ फिर से को भी खत्म किया जाएगा। ओजी की स्क्वाड और अंगूठन इसी के साथ पहला विनर चिकन डिनर निकालते हुए। ओ माय गॉड, टीम ओरैंगुटन तीन प्लेयर्स उनके सर्वाइव कर रहे थे मेजी टुवर्ड्स द